नमस्कार दोस्तों, आपने पूछा हमें एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं कि हमारे योगा स्क्रिप्चर्स में शरीर में 5 लेयर्स बताई गई हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश यानी हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर। इसमें प्राणों का संचार करने के लिए हवा, पानी और भोजन, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हम भोजन करते हैं तो बजाय ये गिनने के कि उसमें कितनी कैलोरी हैं, अगर हम ये देखें कि उसमें कितनी प्राण शक्ति है, कितना वाइटल फोर्स है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, कि जब हम कुछ खाते हैं तो हम गिनते रहते हैं कितनी कैलोरी है। हर चीज़ गिनते हैं, हम कितना कदम चले, अगर हमने वर्कआउट किया है तो कितनी कैलोरी बर्न की, कितने गिलास पानी पिया। आपको याद है जब माँ खाना परोसती थी तो कहती थी बच्चे की रोटी नहीं गिनना। तो माँ के हाथ का बना हुआ, प्यार से बना हुआ खाना जब आप खाते हैं, उसमें भरपूर प्राण होते हैं। और हमारा इंडियन फूड तो वैसे ही इतना रिच है कि उसमें सब कुछ है। आपकी दादी, आपकी माँ, नानी जो भी बनाती हैं वो प्राणों से भरपूर है। निश्चिंत होकर खाइए और योग से जुड़ें। योग से जुड़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप योग करते हैं आपके अंदर अपने आप माइंडफुलनेस आ जाती है, क्या खाना है, कितना खाना है। फिर हमें किसी और से अपना डाइट चार्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हमें बताएं कितना खाना है, कब खाना है। तो योग से जुड़ें और आराम से घर का बना खाना खाएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।